ठीक, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग जो है आपके पेपर में क्या कर रहे हैं, यूनिट पेपर टू यूनिट फाइव लाप्लास रूपांतर। ठीक है, आज इसमें जो है जैसे कि लास्ट टाइम लास्ट जो है क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी अवकल समीकरण को लाप्लास रूपांतर की तरह की मदद से किस तरह से हल किया जा सकता है। चलिए, किसी भी जो है अवकल समीकरण को लाप्लास रूपांतर की मदद से जो है किस प्रकार हल किया जाता है उस बारे में जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लाप्लास रूपांतर लगाते हैं और फिर जो है उसमें प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर लगाते हैं। ठीक है, पहले लाप्लास रूपांतर और उसके बाद जो है प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर। लास्ट क्लास में जो है एक क्वेश्चन जो है मैंने छोड़ रखा है, ठीक है, उसके लिए जो है प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर किस तरह से ज्ञात किया जाता है वह आप जो है देख लेना कि सारे जो है सिंपल सा है और जस्ट आपको एक फॉर्मूला लगाना है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे करते हैं, जो काफी बड़ा है। ठीक है, काफी बड़ा है, देखने में लगता है कि बहुत छोटा है। अगर हम लोग साधारण अवकल की समीकरण के तरीके से अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो बहुत इजी है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे किस तरह से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन ये है कि डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि वाई जीरो इज इक्वल टू माइनस थ्री और वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन, वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई प्लस टू डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू टी, और अब जो है लाप्लास रूपांतर लगा देते हैं। तो एल डी स्क्वायर वाई प्लस टू बाहर, एल डी वाई प्लस एल वाई, और ये हो जाएगा एल टी। ठीक है, ये हो जाएगा एल टी। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, ये क्या है एल डबल डैश टी। ठीक है, जो कि क्या था फॉर्मूला, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो और माइनस एफ डैश जीरो। लेकिन अब जो है यहाँ पे एफ टी के बदले क्या है, एफ टी के बदले यहाँ पे डी स्क्वायर वाई है, क्योंकि हमने क्या माना है एफ टी डबल डैश इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई, लेकिन एफ टी इज इक्वल टू हमने वाई माना है। ठीक है, एफ टी इज इक्वल टू हमने क्या माना है वाई, और जब यहाँ पे डी स्क्वायर दे रहे हैं, डी स्क्वायर दे रहे हैं दोनों तरफ, तो ये डबल डैश हो जाता है, और जब डी यहाँ पे मिटा देंगे ये हो जाता है आपके डी स्क्वायर वाई। तो फॉर्मूला जो है वही का वही है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, बस नोटेशंस थोड़े चेंज है। ठीक है, नोटेशन चेंज है। अब यहाँ पे एक और बात बता दूं कि जब हम लोग एफ एस लिखेंगे उसके बदले मैं लिखूंगी कि एल वाई, जो कि होता है आप जानते हैं कि एल एफ टी, आपको रिमाइंड करा दूं फिर से, जो कि एल एफ टी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि मैंने बिल्कुल आपको प्रूव करके बताया है। ठीक है, कि ये जो है अगर किसी भी फलन का अवकलन किया हुआ हो तो उसका लाप्लास रूपांतर किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब क्या है इसका दो बार, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा एस स्क्वायर, और यहाँ पे आपके क्या होता है एफ एस, यानी कि जो कि है एल वाई, फिर माइनस एस, फिर हो जाता है यहाँ पे एफ की वैल्यू जीरो पर, फिर माइनस यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू जीरो पर, प्लस प्लस टू, फिर एल क्या है डीवाई, यानी कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट में पहले आ जाएगा एस, फिर एल वाई माइनस एस एल वाई माइनस, और ये हो जाएगा आपके वाई जीरो। ठीक है, वाई जीरो, और यहाँ पे ये प्लस एल वाई तो है ही। ठीक है, ये प्लस एल वाई तो है ही, इज इक्वल टू क्या है एल टी। ठीक है, एल टी यानी कि टी की पावर कितनी है यहाँ पे एक, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन क्या होता है पी की पावर एन प्लस वन, तो पी की पावर वन प्लस वन यानी ये हो जाएगा पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एस में लिया है मैंने, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है, एस में कर रहे हैं हम लोग, तो
तो चलिए इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस, अब इसकी वैल्यू कितनी है वाई जीरो की, माइनस थ्री, माइनस थ्री, और ये क्या है वाई डैश जीरो जो कि हमें नहीं दे रखा, ठीक है, जो कि हमें नहीं दे रखा, और टू यहां पे एस एल वाई और वाई जीरो की वैल्यू कितनी दी है यहां पे माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा, देखिए यहां पे नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन, फिर यहां से लिखती हूँ टू इंटू माइनस थ्री और प्लस ये हो जाएगा एल वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर। तो देखिए यहां पे ये एल वाई, ये भी एल वाई और ये भी एल वाई, तो एल वाई को जो है हम लोग कॉमन ले रहे हैं और वाई डैश जीरो इज इक्वल टू हम लोग के मान रहे हैं, माना वाई डैश जीरो इज इक्वल टू के, माना वाई डैश जीरो इज इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पे वाई डैश जीरो की हमें वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है, वाई डैश जीरो की यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग के मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग के मान लेते हैं और उसी के साथ जो है हम लोग चलेंगे और फिर जो है लास्ट में जब हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हम के की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, के क्या होना चाहिए, ठीक है, के क्या होना चाहिए। तो चलिए पहले एल वाई को कॉमन ले ले, ठीक है, चलिए एल वाई को कॉमन ले लिया, एल वाई बाहर तो ब्रैकेट में आएगा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन, ठीक है, ये आ गया। फिर जो है यहां पे जो है ये क्या है माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा थ्री एस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस थ्री एस, ये हो जाएगा माइनस के क्योंकि इसको मैंने के माना है स्मॉल के, और यहां पे देखिए ये माइनस है और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस सिक्स, ये हो जाएगा प्लस सिक्स और जो है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे वन अपॉन एस स्क्वायर, इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर। चलिए अब जो है पहले इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन का मतलब क्या होता है एस प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम लोग एस प्लस वन का होल स्क्वायर और ये एल वाई, ठीक है। फिर यहां से देखेंगे कि देखिए यहां पे जो है आपके कॉमन आ जाएगा, थ्री को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, जो कि एस माइनस टू आ जाएगा, ठीक है, यहां पे थ्री एस प्लस थ्री एस प्लस जो है एस थ्री एस माइनस सॉरी थ्री एस प्लस सिक्स है, इसमें से थ्री को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे s प्लस टू जो है आ जाएगा, तो मैं ये भी काम कर लेती हूँ यहाँ पे थ्री एस प्लस टू और माइनस k तो है ही हमारे पास, ठीक है, और इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। फिर जो है इसको क्या करते हैं, ये सारे टर्म्स जो है उस तरफ चले जाएंगे, तो s प्लस वन का होल स्क्वायर एल वाई इज इक्वल टू सबसे पहले वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस थ्री एस प्लस टू और ये आ जाएगा प्लस के, ये आ जाएगा प्लस के। फिर एस प्लस वन के होल स्क्वायर से क्या करेंगे, सभी को डिवाइड करते, देखिए अब आ गया आपके एल वाई, यानी ये जो है आपका क्या है एल ऑफ एफ टी है, जिसमें से आपको एफ टी क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर एस प्लस वन का स्क्वायर माइनस थ्री एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर प्लस के अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब और अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, वन अपॉन एस स्क्वायर और एस प्लस वन के स्क्वायर को तो एज इट इज रखते हैं, ठीक है, माइनस थ्री और ये क्या है एस प्लस वन प्लस वन कर लेती हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है एस प्लस टू है तो इसको इस तरह से कर लूं तो देखिए कितनी थोड़ी और भी ज्यादा ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। फिर इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन का होल स्क्वायर तो है ही और माइनस थ्री और ये आ जाएगा एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको अलग लिख लेते हैं और यहां पे आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस के अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले जो है हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर जो है इस पर लगाकर इनके मान ज्ञात करते हैं टी में, हमारा फंक्शन जो है एफ टी जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ कहेंगे कि वाई जो है वो क्या होगा,
ठीक है, तो इन दोनों को साथ में ले लें फिर से, क्योंकि अलग अलग हम लोग क्यों ज्ञात करेंगे, k भी कांस्टेंट है और माइनस थ्री भी कांस्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं इस तरह से लिखूंगी, ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया था, वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या हो जाएगा ये थ्री अपॉन एस प्लस वन, यहाँ पे एस प्लस वन का होल स्क्वायर है तो एक एस प्लस वन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस ये जाएगा के माइनस थ्री अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है एस प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास एल वाई आ गया, ठीक है ये आपके पास एल वाई आ गया। तो अब जो है आपको क्या ज्ञात करना है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एल वाई इज इक्वल टू ये है, ठीक है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू एल इनवर्स ब्रैकेट में एस स्क्वायर एस प्लस वन का स्क्वायर माइनस थ्री बाहर एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन, ठीक है और प्लस यहाँ पे k माइनस थ्री, ठीक है बाहर है k माइनस थ्री और ये आ जाएगा एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है एस प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहां तक जो है रुक जाते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास जो है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। ये दोनों तो बहुत इजी है, ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी और ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी e की पावर माइनस टी, सीधे ही लिख सकते हैं, ठीक है सीधे ही हम लोग लिख भी देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इस पे आ रही है। तो सबसे पहले जो अब जो है हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है इसको हल करेंगे। इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है तो एक तरीका ये है कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, और या तो दूसरा तरीका ये है कि जो हमारा एक थ्योरम था, ठीक है थ्योरम कौन सा था, पहले मैं थ्योरम लिख रही हूँ, ठीक है थ्योरम लिख रही हूँ कि एफ एस अपॉन एस एल इनवर्स इज इक्वल टू जीरो टू टी एफ यू डी यू, इसका उपयोग करूंगी, ठीक है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले एफ एस यानी कि एल इनवर्स ऑफ जो है एस प्लस वन का होल स्क्वायर वो ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है तो एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है माइनस वन पे, तो ई की पावर माइनस टी आ जाएगा, फिर एल इनवर्स वन अपॉन ये हो जाएगा एस स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, तो चलिए ये क्या है स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा टी की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल, ठीक है तो ये आ जाएगा टी और इनटू ई की पावर माइनस टी, ये आ गया। चलिए ये एफ एस फाइंड कर लिया, अब क्या करेंगे इसी को ही एक बार एस से और दूसरी बार फिर से एस से जो है भाग देंगे। तो क्या करेंगे ये वाला जो आपका थ्योरम है ये हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो चलिए एल इनवर्स हमारे पास वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर के लिए जो है लाप्लास प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर क्या है, यानी लाप्लास रूपांतर क्या है वो भी पता है, ठीक है और प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर यहाँ पे क्या है वो हम जानते हैं, तो ये इसको एस से डिवाइड कर दूं। पहले एक बार जो है क्या एस स्क्वायर है तो पहले एक बार एस से डिवाइड करूंगी फिर दूसरी बार फिर से एस से डिवाइड करूंगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जीरो से टी, ठीक है और टी और ये माइनस टी सॉरी यू और ई की पावर माइनस यू, यू ई की पावर माइनस यू डी यू। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये आपके हो जाएगा कि L इनवर्स वन अपॉन S और S प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू खंडस से समाकल, ठीक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो माइनस U e की पावर माइनस U माइनस e की पावर माइनस U डी यू, क्योंकि यहाँ पे U का हो जाएगा वन, ठीक है U का हो जाएगा वन जो मैं नहीं लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा U e की पावर माइनस U प्लस e की पावर माइनस U डी यू। फिर से करूंगी कि माइनस
u e की पावर माइनस यू माइनस e की पावर माइनस यू, सब में लिमिट आ जाएगी यहाँ जीरो से t, जीरो से t, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो से t, ठीक है। ब्रैकेट लगा लो भले आप, उस हिसाब से भी लिख लो, या फिर आप जानते हैं कि मुझे इस तरह से जो है मैं हमेशा लिमिट लगाती हूँ जीरो से टी। तो चलिए सबसे पहले जो है माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिमिट लगा लेते हैं। माइनस बाहर ले लिया, ये आ गया यू प्लस वन ई की पावर माइनस यू, और लिमिट कौन सी लगानी है, जीरो से टी लगानी है। तो सबसे पहले जो है नेगेटिव साइन को बाहर रखते हैं, ठीक है, पहले टी लिमिट लगाते हैं, तो ये आ जाएगा टी प्लस वन ई की पावर माइनस टी, ठीक है। फिर जो है हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जीरो लिमिट लगाते हैं, तो ये जीरो, e की पावर जीरो हो जाएगा वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन, तो ये आ जाएगा, अगर नेगेटिव साइन अंदर ले लूं, वन माइनस टी प्लस वन ई की पावर माइनस टी, ठीक है, e की पावर माइनस टी, ये हो गया। अब तो ये क्या आया, सिर्फ s से, अब क्या करना है, यहाँ पे s स्क्वायर है, तो अब ये आ गया आपके l इनवर्स वन अपॉन s, s प्लस वन का होल स्क्वायर। अब करूंगी मैं कि l इनवर्स वन अपॉन s, s प्लस वन का होल स्क्वायर का प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर क्या है, ठीक है, वो मुझे पता है यहाँ पे, और इसके साथ जो है मैं क्या करूंगी, s से भाग दे दूं, तो ये हो जाएगा जीरो से t, और ब्रैकेट में वन माइनस यू प्लस वन ई की पावर माइनस यू डी यू। फिर से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, ये आ जाएगा u माइनस, अब देखिए नेगेटिव साइन तो पहले है बाहर, अब मैं और ब्रैकेट लगाती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और नेगेटिव साइन आएगी, क्योंकि खंड से समाकल कर रहे हैं, तो u प्लस वन ई की पावर माइनस यू माइनस माइनस ई की पावर माइनस यू, ठीक है, डी यू, और ब्रैकेट यहाँ पे बंद, ये फिर आ जाएगा, फिर से कर लेती हूँ कि ये आ जाएगा u माइनस, अभी तक नेगेटिव साइन अंदर ही रहने देती हूँ, माइनस ये आ जाएगा u प्लस वन e की पावर माइनस यू, माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, लेकिन फिर से जो है e की पावर माइनस यू का कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव e की पावर माइनस यू, ब्रैकेट क्लोज, और जीरो से टी, ये आ जाएगा जीरो से टी, ठीक है। सिंपल है, लंबे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा इतने डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे जो है e की पावर माइनस यू, यहाँ पे नेगेटिव साइन को जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा u प्लस, यहाँ पे u प्लस वन e की पावर माइनस यू जीरो से t लिमिट, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू u, और u प्लस टू ई की पावर माइनस यू जीरो से टी लिमिट लगाएगी, लग जाएगी। अब टी जो है सबसे पहले टी, तो यह आ गया टी, और टी प्लस टू ई की पावर माइनस टी, अब जब जीरो लगाएंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, तो आ जाएगा टू यहाँ पे। तो देखें कि यहाँ पे एल, अब मैं फिर से लिखती हूँ कि एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आया आपके टी प्लस टू ई की पावर माइनस टी और माइनस टू। देखें कि यहाँ पे कितनी बार किया, दो बार जो है समाकलन करने के बाद जो है हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब जो है अगर मैं इसको देखिए, इसको इस तरह से भी हल कर सकती थी, अब पार्शियल फ्रैक्शन करने, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करने, तो यहाँ पे ये वन अपॉन एस, फिर आ जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर, फिर आ जाएगा वन अपॉन एस प्लस वन, फिर प्लस वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखने पड़ेंगे, ये ए लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे जो है ये बी, यहाँ पे ये सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डी। तो ये आपको ए बी सी डी जो है यहाँ पे ज्ञात करने पड़ेंगे, तो और ये भी इतना लंबा चौड़ा होगा, ठीक है, उसमें भी जो है मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा, ठीक है, मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इस रीति से क्या करना है, सिर्फ आपको समाकलन ही तो कर रहे हैं, ज्यादा इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये कर लिया, अब तो सिर्फ कुछ ही स्टेप में जो है आपके आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो ज्ञात कर लिया, अब हमारी मेन जो है पहले वाली जो समीकरण उस पे आते हैं, वो समीकरण कौन सी थी, मैं फिर से लिखती हूँ यहाँ पे,
कि ये थी y इज इक्वल टू एल इनवर्स, पहला ये था कि एस स्क्वायर और s प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर था माइनस थ्री और यहाँ पे l इनवर्स वन अपॉन s प्लस वन था, और फिर था प्लस यहाँ पे k माइनस थ्री था और l इनवर्स और वन अपॉन s प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर से आती हूँ, जो वो पहले वाली जो समीकरण थी वो लिख रही हूँ, ठीक है। अब जो है मैं सभी के मान रख दूंगी, तो यहाँ पे ये तो मैंने ज्ञात कर लिया, ये क्या है t प्लस टू e की पावर माइनस टी, और यहाँ पे माइनस टू, और ये आ जाएगा माइनस थ्री, ये आ जाएगा e की पावर माइनस टी। देखिए कहाँ पे है ना, वन अपॉन एस माइनस ए क्या होता है, e की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। फिर जो है प्लस ये आ जाएगा k माइनस थ्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t, मैं सीधे लिखती हूँ t और e की पावर माइनस टी। तो ये आपके आ गया y। अब y तो आ गया, लेकिन अभी तक k तो पड़ा ही है, k को भी तो हटाना पड़ेगा। तो अब जो है हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे y1 is equal to minus 1, ठीक है, y1 is equal to minus 1। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, दिया हुआ है कि y1 is equal to minus 1, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस वन, ठीक है माइनस वन, यहां पे देखेंगे कि ये आ जाएगा वन प्लस, ये आ जाएगा वन प्लस टू, ठीक है, e की पावर माइनस वन, माइनस टू तो है ही यहां पर, ठीक है माइनस टू, फिर ये आ जाएगा माइनस थ्री e की पावर माइनस वन, और यहां पे प्लस ये आ जाएगा प्लस k माइनस थ्री, t इज इक्वल टू वन है, ठीक है, और e की पावर माइनस वन, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस वन। अब देखेंगे कि वन माइनस टू माइनस वन और माइनस वन गया, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो कि माइनस टू इज इक्वल टू, देखिए वन प्लस टू माइनस थ्री प्लस k माइनस थ्री e की पावर माइनस वन, कॉमन माइनस टू, तो माइनस टू दोनों तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में जो है वन प्लस थ्री थ्री, ये दोनों भी गए, तो जीरो इज इक्वल टू के माइनस थ्री ई की पावर माइनस वन, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो के माइनस थ्री जो है जीरो हो जाएगा, और के इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री। अगर के इज इक्वल टू थ्री होता है तो वाई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू देखिए ये हो जाएगी y इज इक्वल टू, ये k इज इक्वल टू थ्री हो गया, तो ये जो है टर्म आपका गया यहाँ से, ठीक है, ये टर्म जो है यहाँ से चला जाएगा, तो ये आपके आंसर आ जाएगा t, फिर t प्लस टू e की पावर माइनस टी, ठीक है, फिर माइनस थ्री e की पावर माइनस टी, और ये माइनस टू, बस ये टर्म जो है k इज इक्वल टू जब थ्री रखते हैं तो ये पद निकल जाएगा, ये पद निकल जाएगा, ठीक है। तो देखें कि किस तरह से जो है पहले हम लोग लाप्लास रूपांतर का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम लोग प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़े लंबे रहते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, लंबे जरूर है लेकिन बहुत ही सिंपल है, और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो देखिए किस तरह से जो है हम लोग लाप्लास रूपांतर और प्रतिलोमी लाप्लास का रूपांतर का यूज करते हुए यहाँ पे जो है अवकल समीकरण को हल करते हैं।